बचपन में सबको पसंद होती थी ऐसी चटपटी खट्टी मीठी इमली की गोली बनाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे बनाने के लिए एक कटोरी में एक कप इमली डाल दीजिए, आधा कप गुड़ और इसमें गर्म पानी डाल दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद ये अच्छे से भीग जाएंगे। उसके बाद इसका हाथ से पल्प निकाल लें और अच्छे से छन्नी से छान लें ताकि गुड़ और इमली का सारा कचरा इसमें से निकल जाए और खाली पल्प इसमें बच जाए। अब गैस पर एक कढ़ाई रख के उसमें सारा इमली का पल्प डाल देंगे। एल्यूमिनियम की कढ़ाई का आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। इमली का पल्प थोड़ा गाढ़ा हो जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा काला नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से गाढ़ा होने दीजिए। थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी इसके बन जाए वैसे आपको इसको गाढ़ा होने देना है। तो एक प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है। पूरा ठंडा होने के बाद हम इसके छोटे छोटे गोलियां बना लेंगे। इसके लिए हाथ पे बिल्कुल हल्का सा घी लगा लें और फिर इसकी गोलियां बना लें। अब चीनी का पूरा पाउडर बना लें और उसमें इसे डाल दें और एक डब्बे में रख के इसे एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।